वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का है ना, आपको एक संभावित प्रश्न हम बता रहे हैं। आपको ना एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछेंगे, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछेंगे। अब हूबहू यही नहीं हो सकता है कि हूबहू यही हो, अंक बदल सकता है ना दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। टाइप आप देख लीजिए, क्वेश्चंस का टाइप देखिए और परीक्षा में अच्छा नंबर लाइए। क्वेश्चंस का हमें टाइप देखना चाहिए। 60 प्रश्न होंगे, इसमें से आपको 50 प्रश्न को सोल्यूशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देंगे। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ओके। चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मसा है ना। देखिए अभाज्य संख्या जैसे दो हो गया और तीन हो गया, इसका मसा कभी भी एक होता है, ठीक है ना। तो पहले का सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपका कि दो संख्याओं का मसा 25 है और लसा 50 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी है दोस्तों, है ना। इसको देखिए कुछ नहीं करना है, जब अलग अलग एचसीएफ एलसीएम देना हो संख्या का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दीजिए। तो 25 × 50 आप करेंगे तो 25 × 5 = 125, 1250। ऑप्शन देखिए 1250 आपका डी में है, दो का डी हो जाएगा इस तरह से, है ना। आपको दिखा रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए बी का मसा जो है ए बी के लसा निम्न में से कौन सा होगा। जस्ट यही थ्योरी है दोस्तों, अगर दो संख्या ए है और बी है, इसका जो लसा और मसा है दोनों के गुणनफल के बराबर है, तो आपका इसमें ए गुना बी हो जाएगा, है ना। तो तीन का सी राइट आंसर है, ओके। चलिए चार नंबर देखिए प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट पाँच, आप देखिए जैसे ही रूट पाँच देखेंगे इसका पूर्ण अपरिमेय संख्या है पूछा है दोस्तों। तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ पे क्वेश्चन ना गलत है, इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन में पूछना था कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो नहीं है लगा देता ना तो आपका डी राइट आंसर हो जाता, ठीक है। समझ रहे हैं ना, परिमेय वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पाँच नंबर देखिए आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक है। इसमें से आपको परिमेय दिखाना है। तो देखिए 87 और 97 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, ये नहीं होगा। 57 और 103 ये भी नहीं होगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का 8, ये देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जा रहा है, इसलिए यही आपका ना परिमेय होगा, इसलिए 5 का C सही है, ओके। 6 नंबर देखिए 6/15 का दशमलव होगा, देखिए 6 और 15 इसको कटा लीजिए, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, नीचे हर में 5 आ गया, तो जिसका भी हर 5 हो ना तो वह शांत हो जाता है, ठीक है, शांत। तो इसलिए आपका बिल्कुल सही जवाब आपका 6 का B हो जाएगा, शांत, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहते बहुपद दिया है x² + 3x + 5 के शून्य को, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा बताना है। तो देखिए कुछ नहीं, बहुत ईजी है, अल्फा बटा बीटा है और प्लस बीटा बटा अल्फा है। आप किनारे किनारे गुना करेंगे तो 5, यहाँ से आपको सूत्र तोड़ना होगा, आपका हो जाएगा α² + β² और बटा में अल्फा बीटा, है ना। इतना चीज आ गया, इसके बाद देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं α + β² होल स्क्वायर, है ना, और -2 α β और बटा में अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -B/A होता है, तो बी का मान 3 है और ए का 1, तो 3 का² कर लेंगे, -2 C/A, तो सी का मान 5, और नीचे भी C/A तो 5, तो 9 − 10/5 घटाएंगे तो -1/5, -1/5। अब ऑप्शन देखिए -1/5 सी में है, सी हो जाएगा। अब आगे कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या है, तो द्विघात समीकरण नाम में ही आंसर छुपा हुआ है ना, द्विघात यानी कि मूलों की संख्या जो होगी 2 होगी, बिल्कुल इसमें बी राइट आंसर है। वर्ग चिन्ह दिया है 9 में 10 25 का वर्ग चिन्ह, तो देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, आज जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, तो 10 और 25 जोड़िएगा तो 35 होगा, आप 35 में 2 से भाग लगाएंगे ना तो 17.5, आप ऑप्शन देख लीजिए बी में है, तो 9 का B हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कि कौन रेखीय बहुपद, रेखीय का मतलब जिसका घात ना 1 होके, जिसका भी घात 1 होगा रेखीय बहुपद होगा, तो इसका घात 2 है नहीं, ये इसमें भी 2 है, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अब आपका डी देखिए एकदम बिल्कुल सही जवाब है, ओके। आगे देखिए एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, अभी देखिए हमने बताया कि रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, तो बिल्कुल 11 का C राइट आंसर होगा, ओके। चलिए दोस्तों आप लोग ने जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग फटाफट लाइक करेंगे, जो अभी तक लाइक ना किए हैं,
शेयर भी करेंगे। देखिए 12 है, के की किस मान के लिए निम्न समीकरण संपाती होगा, तो संपाती का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। a1 का मान 1 है और इसका 2 है, तो 1/2। b1 का मान देखिए 2 है और b2 का यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, k के किस मान के लिए, यहाँ पे दोस्तों k होना चाहिए था, ठीक है k लिख लेते हैं। तो तिरछा गुना कीजिएगा, k1 के और 2 × 4, तो k बराबर 4 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है, दो अंकों वाली संख्या उसके अंकों का जो 4 गुना यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो उसका अंक उलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अंकों का जोग 4 है, दो अंकों की संख्या उसके अंकों का जोग क्या है, अंकों का जोग का 4 गुना। तो देखिए मान लीजिए इसमें 24 लीजिए, तो 24 का 6 होगा जोग, अंकों का जोग क्या होगा 6 होगा, इसका 4 गुना क्या होगा 24 होगा, ठीक है भाई। अब इसमें 18 जोड़ दीजिए, अगर 24 में आप 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42। तो देखिए अंक उलट जा रहा है ना, तो बिल्कुल आपका सी इज राइट आंसर, 13 का सी एकदम सही है। ओके 14 नंबर देखिए प्रश्न है कि समीकरण निकाय x+y = 2 और 2x+2 के अनगिनत हल होने के लिए, तो अनगिनत हल होने के लिए आपका a1/a ही वाला कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इस कंडीशन पे आप अप्लाई कीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/2। फिर आपका यहाँ पे 1 है b1 का मान और यहाँ a है, तो तिरछा है a1 और 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 14 का ए बिल्कुल सही जवाब है। ओके 15 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कि एक दिया a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन को कहते हैं कोई हल नहीं, तो इसलिए इसमें सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कट गया है, ठीक है 16 आपको कट चुका है, बाद में बता देंगे, लेकिन इसका ऑप्शन देखिए 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 देखिए प्रश्न आपका कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा बताना, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना दोस्तों आपका सूत्र होता है c/a। तो देखिए a का मान ये है, b का ये है, c का -4 है, तो -4 भर दीजिए और a का मान क्या है 2। अब जैसे ही भाग करेंगे तो दो बार में कटेगा और आपको -2 मिलेगा, बिल्कुल 17 का सी जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है ना, रिवीजन कर लीजिए। 18 नंबर के किस मान के लिए रैखिक समीकरण जो है ना कोई हल नहीं है, तो देखिए आप a1/a2 निकालिए, जैसे a1 का मान k है और a2 का मान 12, ओके। फिर b1/b2, तो b1 का मान 3 है और b2 का मान क्या है k है, यहीं से आप सोल्यूशन कीजिए, तिरछा तिरछी यहाँ क्रॉस करेंगे तो k² और 12 × 36, और यहाँ से स्क्वायर जब रूट चढ़ता है तो √36, तो इसलिए k का मान ±6 मिलेगा, जो कि आपके 18 के ए ऑप्शन में है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि बिंदु आपका दिया है -8, 6 किस पाद में, तो देखिए शुरू में माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस प्लस जो होता है आपका द्वितीय में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल 19 का बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 20 नंबर देखिए किसी बिंदु को एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो देखिए एक्स अक्ष से जब भी दूरी पूछे ना तो एक अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, इसलिए 20 का ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है दो अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, देखिए ये एक वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, तो ये प्रतिच्छेदन जो बिंदु है यहाँ पे जो बिंदु देख रहे हैं इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ओके। तो इसलिए इसमें 21 का बी राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए कारगर होगा, हम आपको सोल्यूशन के साथ बताएंगे क्यों होगा आंसर, ठीक है। अब आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 22 ले चलते हैं, लेकिन एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किए प्लीज सभी लोग लाइक करेंगे, ओके। 22 देखिए किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी, अब देखिए उसमें एक्स अक्ष से दूरी आपको कोटि कहलाया लेकिन वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाता है ना, वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज, तो भुज नहीं है, तो भुज जो होता है ना एक्स का मान कहलाता है, तो इसलिए एक्स निर्देशांक यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये और ये जो है बिंदु समदूरस्थ बिंदु एक अक्ष पर कौन होगा, इन दोनों से एक अक्ष पर समदूरस्थ दूरी निकालना है, तो आपको ना ये सूत्र यूज करना होगा √x2 − x1² दो बार कीजिएगा इधर भी और उधर भी, आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको −7, 0 मिलेगा, ठीक है ना। समय लगेगा आपको, हम समय बर्बाद नहीं करते। देखिए अगला 24 है मूल बिंदु का निर्देशांक, तो 0, 0 होता है, बिल्कुल आपका 24 का सी हो जाएगा, है ना। 25 नंबर देखिए प्रश्न, टेन 60 डिग्री का मान कौन है, तो टेन 60 डिग्री का मान कौन है 25 में पूछा है, तो टेन 60 का मान √3 होता है, ऑप्शंस में नहीं है, यह गलत है ना, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिया है। कॉस ए का मान 1 है तो साइन है,
देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो साइन बराबर हमने पढ़ा है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस का मान क्या है, तो कॉस का मान एक्स है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन देखेंगे तो सी में है, बिल्कुल आपका 26 का सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर बी का मान होगा, तो देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर बी का जो मान होगा ना सेक स्क्वायर बी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में भी ये ऑप्शन नहीं दिया है, सेक स्क्वायर बी होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है क्वेश्चन रॉन्ग टाइप पे है ना। अब देखिए 28 से टेन थीटा रूट तीन है, तो अभी बताए रूट तीन जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए 28 का बी राइट आंसर होगा। हाँ 29 देखिए कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 से 3 कटाएंगे तो थीटा आपका 30 डिग्री आ जाएगा, तो कॉस 30 हो जाएगा आपका, तो कॉस 30 का जो मान होता है रूट 3 बाई 2 होता है, इसलिए 29 में सी जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है। ओके 30 नंबर देखिए प्रश्न, साइन थीटा 13/12 यानी लंब का मान आपका 13 हो गया और कर्ण जो होता है एच इसका मान 12 हो गया, तो आधार निकालिएगा ना बी, तो 13-12 का स्क्वायर करके निकालिएगा, आपको बी जो है 5 मिलेगा। अब कॉस थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा आपका होता है बी बाई एच, तो बी का मान 5 है, एच का मान है ना सॉरी थोड़ा सा इसमें ना आपको मैंने यहाँ पे गलती किया है, क्वेश्चन में ही गलती दी है, 12/13 देना चाहिए था है ना, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, 5/12 हो जाएगा है ना, थोड़ा सा इसमें भुलवा के आपको दिया है, इसलिए साइन थीटा में यहाँ पे बुलवाया है, आपका लास्ट वाला है ना 13/12 दे दिया है, लंब बटा कर्ण, लंब को बड़ा दे दिया है कर्ण से है ना, इसमें आपका 5/12 हो जाएगा। अब देखिए इसका माध 6 है, तो एक्स का मान, तो माध आप लोग पढ़े हैं ना, माध कैसे निकाला जाता है, सबको जोड़ेंगे, जैसे 3+4+5 है ना, 5+17+x कितना टोटल नंबर है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और इसका मान कितना है, तो आपको 6, तो अब देखिए 6×5 ये 5 गुना कर लेगा 30, अब इधर जोड़िए 4, 3, 7, 5, 12, 12, 17, 29 इधर घट के आएगा 29/x, तो x=1 मिल जाएगा, बिल्कुल ए सही है 31 का। ओके प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान, तो प्रथम 5 पूर्ण जैसे 0 हो गया, 0 से शुरू होता है 1, 2, 3 और 4 और 5 से भाग लगा दीजिए, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 10 में आप 5 से भाग लगाएंगे आपको 2 मिलेगा, बिल्कुल आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 32 में बी राइट आंसर है। 33 देखिए आपको कह रहा है ना कि परिसर क्या होगा, तो परिसर में सबसे बड़ी संख्या देखना है, तो सबसे बड़ी हमारा 30 है और सबसे छोटी -9, 30 में से 9 करीब, बड़ी और छोटी का अंतर 21 होगा जो कि 33 के बी में है ना, बी इज राइट आंसर। ओके 34 देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 30 cm और 4 cm है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए, तो देखिए ये क्वेश्चन है ना बहुत ही पीछे के क्लास में, भुजा बराबर होता है ना विकर्ण दिया है, तो क्षेत्रफल आपको निकालना होगा ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो d1 d2, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × d1² + d2² तो 30² = 900 + 16, इसको ना भी गलत टाइप से टाइप किया है ना, एक समचतुर्भुज का विकर्ण, इसको बाद में बना दिया जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल पूछता तो आप तो 1/2 और d1 d2 सूत्र से बना लेते। ओके ना, तो इसके अलावा भी दूसरा सूत्र है, देखिए हम दिखाते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण ना परस्पर लंब संविभाजित करते हैं, तो इस तरह से अगर ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा, इधर से 15, ये 4 है 2, 2 तो यहाँ से कर्ण निकाले, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे भी आंसर गलती ही था, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें भी आपको है ना सही नहीं दिया है। ओके देखिए 36-35 नंबर दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के होते हैं, तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, 35 में बी हो जाएगा, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 100 और 64 है, बड़ी त्रिभुज की भुजा 20 है तो छोटे त्रिभुज का, बहुत ईजी है, देखो 100/64 कर लीजिए, इधर एगो 20 हो गया, एक भुजा निकालना है तो x, तो 20×5 = 100, तो आपका x = हो जाएगा, इधर आएगा तो 64/5, 5 ले भाग लेंगे तो 12×5 = 60, 12.8 होगा। अब इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन आपके नहीं दिए, दो समरूप त्रिभुजों के सॉरी देखिए इसको अलग तरीके से बनाएंगे है ना, 100 एगो हो गया है और एगो 64 है और भुजा का वर्ग होता है, तो भुजा एगो आपका 20 है और एगो भुजा x मान लेते हैं वर्ग, ये वर्ग है तो इधर रूट हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा, अब इधर 20 और x,
10 दुनी की 20 कटेगा तो x बराबर आपका 8 दुनी की 16, तो 16 आप ऑप्शन देख सकते हैं बी में है, बिल्कुल बी सही हो जाएगा 36 का। ओके 37 है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर, तो त्रिभुज कैसे होंगे, तो वे त्रिभुज जो होते हैं ना दो समरूप संगत कोण बराबर हो तो उसे हम समरूप कहते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर तो उसे समरूप कहते हैं, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। अब 38 नंबर देखिए क्वेश्चन, 38 है कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 की संगत भुजा, बहुत ईजी होता है दोस्तों, जो अनुपात दिया है उसको रूट में डाल दीजिए, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का 2, तो 3:2 एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। 38 का ए हो जाएगा, 39 दो सर्वांगसम आकृतियाँ अवश्य ही समरूप होती है, ये बात सही है ना, सर्वांगसम है तो समरूप होगा ही, 39 का भी सही है। 40 नंबर देखिए, दो समत्रिबाहु त्रिभुज के समरूप होते हैं, समत्रिबाहु यानी तीनों भुजा उसके बराबर हो तो समरूप होते हैं, बिल्कुल सही है, सत्य बात है, दिए गए आकृति में डी समान तो एक्स का मान, बहुत ईजी होता है दोस्तों, देखिए एक्स बटा 16 कर लीजिए संगत भुजाओं के अनुपात में, इधर से 34 और 17 का अनुपात, तो 17 दुनी की 34, दो बार में कट के 16 जाके गुना करेगा तो 16 दुनी की 32, एक्स का मान आपका 32 हो जाएगा, देख सकते हैं आपका एक है ना 41 में जो होगा आपका 32 दिया था है ना, 41 का आपका बी सही हो जाएगा 32। 43 दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 में है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए जब भी भुजा दिया ना तो आप भुजा को लिख लीजिए और उसका ना वर्ग कर दीजिए, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो 1:4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। 43 है कि 1/√3 किसके बराबर है, तो आपको मालूम होगा 1/√3 जो है ना 33 का मान होता है, 43 का सी सही है। 44 देखिए, साइन ए 3/4 दिया है, तो 3/4 तो लंब जो हो गया हमारा है ना, लंब जिसको हम पी कहते हैं, पी का मान 3 हो जाएगा, कर्ण का 4 हो जाएगा, बी निकालना है तो बी के लिए √4 2 16 और -3 2 9, तो 16 में से 9 घटेगा √7, और कॉस का सूत्र होता है बी बाई एच, तो बी का मान तो √7 आया है और एच का 4, तो √7/4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 44 का ए राइट आंसर है, ठीक है। 45 देखिए आपका क्वेश्चन है, 1+10² / cosec² a बराबर होगा, 1+10² a जो होता है ना आपका सूत्र है sec² a का, और नीचे cosec² ओके, sec² को आप लिख सकते हैं 1/cos² a, ये भाग में है तो गुना होगा तो sin² ऊपर चला जाएगा और नीचे 1, cosec² का 1/sin² / cos² मिल के होता है tan² a। अब tan² a ऑप्शन देखेंगे तो बी में है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कट गया है, इसलिए 45 का बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 46 देखिए आपका क्वेश्चन, tan θ जो है √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए tan θ √3 जो होता है वो 60° पे होता है, कितना डिग्री पे, 60, ऑप्शन में 60 नहीं है इसलिए डी लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। अब √2 किसके बराबर होता है, तो देखिए √2 जो होता है cosec 45° का मान होता है, अब cosec 45 ये 1+sin 45 देख रहे हैं ना, इसको जैसे ही आप तोड़ेंगे तो cosec 45 हो जाएगा, 1/sin cos होता है, इसलिए बी होगा 47 का बी, ओके। 48 देखिए, tan a - cot a बराबर है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चंस अधूरा है, मैं देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे देना चाहिए था, tan a है ना और यहाँ पे गुना देना चाहिए था cot a, तो tan a * cot a गुना होता है तो एक आंसर आता है, तब जाके आपका 48 का ए आंसर होता है, समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज़ को हम बता दे रहे हैं। अब 49 नंबर देखिए, चर मान दिया है 1, 2, 3 की बराबरता है तो वितरण माध होगा, तो देखिए गुना किया जाता है 3 × 3 पहला के साथ है, 2 × 4 1 × 3 तो 4 × 3 = 7 × 3 = 10 हो गया। अब इसको जोड़िए 3 × 2 = 5 1 = 6 बराबरता है 6 10/6 फिर इसको कटाइए 2 × 5 = 10 2 × 3 = 6 5/3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो 49 का ए हो जाएगा। 50 देखिए, ये दिया है इसका बहुलक, बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा आया हो, तो 3 जो है देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा है इसलिए 51 में ए हो जाएगा। अब sin²θ + cos²θ ये सूत्र है जिसका वैल्यू 1 होता है इसलिए 51 में भी ये होगा। 9 sec²θ और 9 tan² किसके बराबर, तो 9 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा sec² a और -tan² a जिसका वैल्यू 1 होता है, तो 9 × 1 तो 9 हो जाएगा, बिल्कुल इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रथम 3 सम संख्या का मान, तो 3 देखिए सम ले लीजिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिया, माध निकालना है तो 3 से भाग, 6 4 10 2 12 में 3 से भाग लगेंगे 4 फेंकेगा जो कि ऑप्शन नंबर आपके
सी में है, ठीक है, 53 का सी हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, 1, 3, 4, 5 का माध्य 4 है, तो सबको जोड़िए, जैसे 1 + 3 + 4 + 5, 4 को है तो 4 से भाग, और माध्य हमारा कितना है 4। अब देखिए 4 × 16, अब इसको देखिए 100 घटाना होगा, इसको जोड़ के 5 और 9 = 3 = 12, 16 में से 12 घटेगा 4, एकदम इजी होता है, बहुत इजी। देखिए डी में ऑप्शन है ना, 54 का डी। 55 देखिए, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ये कितना दिया है 44 = 44, 2 × 22/7 × r = 44, तो 22 × 44 कट गया एक बार में, तो r = 7 × 7, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए में है, 55 का ए, ठीक है। 56 देखिए, 2 sin² 45 और -cos² 45 कितना होगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 sin² 45, 2 × sin 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर लिए, फिर -cos 45, तो फिर 1/√2 का स्क्वायर, ओके, तो 2 × 1/2 -1/2, 2 कट गया, इसको घटाएंगे, जैसे आपके पास बचा 1 फिर -1/2, इसको घटाइएगा ना तो 1/2 ही आएगा। अब ऑप्शन देखिए ध्यान से, 1/2 सी में है, तो 56 का सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 57 देखिए, यदि किसी त्रिज्या के को के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे कि पुराना क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर है, अब के गुना होगा तब पाई पाई के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये आर स्क्वायर करता है 1:k² हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए में, 57 का है, ठीक है। 58 देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो त्रिज्या बहुत ईजी है दोस्तों, 4 और 1 का अनुपात, अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 4 × 2 = 1, 2 / 1, ऑप्शन नंबर 58 का ए हो जाएगा, ठीक है। 59 देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए जिसका कोण पी डिग्री, θ/360 × πr², ओके। अब इसको देखना है ऐसा कहा है, तो θ/360, थीटा तो पी है, तो π/360 हो जाएगा ना, × πr², तो π/360 है ना, थोड़ा सा मिस्टेक किया है ऑप्शंस में भी, है ना, π/ 720 यहाँ स्क्वायर देना चाहिए था, है ना, थीटा यहाँ 2 से फिर कटेगा तो 360 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों, ये सब थोड़ा सा मिस्टेक है इसका, है ना। अब लास्ट प्रश्न, ऑप्शन देखिए यहाँ पे नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो आप लोग जानबे करते हैं किसी सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आज का क्लास जो टेस्ट है वो होगा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना, एक प्यारा सा लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000, योर सक्सेस इज आवर एम, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। यही टाइप रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आवे, है ना, टाइप यही रहेगा, अंक बदल सकते हैं, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने दिखा दिया। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।